ओम शांति। हमें बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और शिव बाबा के समान निराकार बनना है। ब्रह्मा समान निर्विकारी, निरहंकारी, कल्याणकारी, शुभ भावनाओं से भरपूर, संपूर्ण पवित्र बनना है। तो बाबा ने जिस तरह जीवन में समर्पण भाव अपनाया, उसी तरह हमें भी समर्पण भाव अपनाना है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हम सब कुछ कैसे छोड़ दें अपना। समर्पण भाव, सब कुछ तेरा, मन में जो मेरापन है, जो पदार्थों में आसक्ति है, जो ये फीलिंग है सब कुछ मेरा है, बच्चे भी मेरे, धन भी मेरा, मकान भी मेरा, बिजनेस भी मेरा, इससे अपनी बुद्धि को निकाल कर सब कुछ तेरा, ऐसी गुड फीलिंग कर देनी है। इसमें एक बहुत अच्छा अभ्यास आज सारा दिन करेंगे, मेरा हर कर्म तेरे लिए, मेरा संपूर्ण जीवन तुम्हारे लिए, मैं हर कर्म भी तुम्हारे लिए करूंगा करूंगी, मेरा हर संकल्प भी तुम्हारे लिए होगा। सबसे सूक्ष्म समर्पणता तो मन बुद्धि की समर्पणता है, अपनी भावनाओं की समर्पणता है, हमारा प्यार भी बाबा के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित, हमारा संपूर्ण आकर्षण एक में, जो कुछ हमें लेना है वो उस एक से ही लेना है। तो मेरा हर संकल्प वही हो जो बाबा को प्रिय है, ऐसा सोचें कि मुझे हर संकल्प और बोल ऐसा करना है अपना जिसे बाबा स्वीकार करे, जिसका भोग बाबा को लगाया जा सके, जिसे सुनकर, जिसे देखकर भगवान प्रसन्न हो जाए। ये है मन की समर्पणता। और इसको अगर सहज भाव से करना है तो हमें बोल वही बोलने हैं जो बाबा की आज्ञा है, हमें संकल्प वही करने हैं जो बाबा की इच्छा है। तो तन को भी समर्पित करेंगे, मन को भी समर्पित करेंगे, बुद्धि को भी समर्पित करेंगे, देह के संबंधों को भी समर्पित करेंगे, अपने कर्म को भी समर्पित करेंगे और कर्म के परिणाम को भी समर्पित करेंगे। ये बहुत सूक्ष्म और सुंदर बात है कि कर्म हमने किया, उसका परिणाम चाहे कैसा भी निकला हो, हमारी इच्छा के अनुकूल या प्रतिकूल, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुकूल या प्रतिकूल, जो भी परिणाम निकला उसे भी बाबा को अर्पित करके अपने को निर्संकल्प कर देना चाहिए। मान लो हमारी प्रशंसा हुई, वो भी बाबा को अर्पित, हमारी ग्लानि हो गई, वो भी बाबा को अर्पित, हमें बहुत सफलता मिली, वो भी प्रभु अर्पण, हमें सफलता न मिली, वो भी प्रभु के हवाले। इससे हम बहुत निश्चिंत रहेंगे और कर्मों के परिणाम के प्रभाव से आत्मा मुक्त हो जाएगी। ये निर्लिप्त अवस्था है, जो बहुत सुंदर स्थिति है अध्यात्म की। इसका हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते चलना है। तो आज सारा दिन मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए है, ये संकल्प। दूसरा, मेरा ये तन तुमको अर्पण। देखो जैसे बाबा हमारे सामने खड़ा है, बाप दादा, और हम अपना तन बाबा को दे रहे हैं, तो बच गई मैं चमकती हुई आत्मा। और फिर अभ्यास करें, तन बाबा को देकर मैं आत्मा उड़ चली अपने प्राणेश्वर के पास और पहुंच गई परम धाम में, उसको टच कर दिया, उसकी संपूर्ण शक्तियां मुझ में समाने लगी, उसकी शक्तियों को स्वयं में भर कर मैं आत्मा पुनः आ गई नीचे।
ये देह है मेरा जो मैंने बाबा को दे दिया था, फिर से मैंने इसमें प्रवेश कर लिया, अब ये देह बाबा ने मुझे वापिस दिया है कि लो बच्चे इसमें प्रवेश करके तुम विश्व कल्याण का कार्य करो, इस संसार में निर्लिप्त भाव से विचरण करो। फिर मैं आत्मा ये देह बाबा को देकर चली परम धाम, स्वयं में उसकी शक्तियां भरकर नीचे वापिस आ गई। ये ड्रिल करेंगे और बहुत सुंदर आज इसको एंजॉय करेंगे। ओम शांति।